पिछोर पुलिस ने 5,000 इनामी हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछोर पुलिस ने 5,000 के इनामी हत्या के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर से आरोपी के गांव रामपुरा से गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर विनोद भार्गव ने बताया कि आरोपी हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5,000 का इनाम रखा था। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रामपुरा गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और उसके साथियों ने एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की थी, जिस पर आरोपी और उसके साथियों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी पर 5,000 का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा रखा गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। संवाददाता सचिन राजभट की रिपोर्ट। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम था। क्या है पूरा मामला? अपराध क्रमांक 360 में अवलिखित है, इसमें धारा 302 एवं अन्य सहायक धाराओं में काफी समय से फरार था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था, जिसे हमारे फोर्स ने घेरा डालकर पकड़ा है, जिसे आज जेआर पर पेश किया जा रहा है। कहाँ से पकड़ा है सर? उसके गृह ग्राम रामपुरा से। कब से फरार चल रहा था जी? कभी करीबन 2.5-3 महीने हुए थे। 302 के आरोप जी।